हेलो बडीज, आज की वीडियो हिंदी में, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे जेल नेल्स ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं एंड एक नेल ऐसा है जो घर के कुछ काम करते हुए थोड़ा निकल आया है और आप देख सकते हो 1 month का ग्रोथ हो चुका है। सो सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, फिर एक लिंट फ्री वाइप से एसीटोन से नेल्स के एरिया को रब करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे नेल्स थोड़े येलो दिख रहे हैं जो कि हाथों से खाने का नतीजा है। अब क्यूटिकल्स को जेंटली पुश करना है, मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ सो थोड़ी ज़्यादा ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। अब क्यूटिकल्स को कट करनी है सो ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हो गई तो स्किन कट सकती है और अगर अच्छे से क्यूटिकल को कट नहीं किया गया तो जेल निकल सकता है। अब इसके बाद 100 ग्रिट फाइलर लेके हमें हमारे नेल से जेल को रिमूव करना है, अप्रॉक्सीमेटली 70% रिमूव करना है और ये करते वक्त ध्यान रखना है कि फाइलर से नेचुरल नेल्स फाइल ना हो जाए क्योंकि 100 ग्रिट फाइलर बहुत ही रफ होता है हमारे नेचुरल नेल्स के लिए। अब आप देख सकते हो उल्टे हाथ से करने का नतीजा, मुझे कुछ ज़्यादा ही वक्त लग रहा है सो इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मुझे यहाँ एक लिफ्टिंग दिखी है जिसे मैं निपर से केयरफुली निकाल रही हूँ और अब सारे नेल्स को फाइल करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा सो इसे क्विकली डस्ट ऑफ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा थंब जिसका नेल थोड़ा सा टूट चुका है। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि इस तरह के ब्रोकन नेल को कैसे फिक्स करते हैं वो भी बिना एक्सटेंशन के, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब सारे नेल्स पे डिहाइड्रेटर लगाना है, प्राइमर को भी लगा लेना है सिर्फ नेचुरल नेल एरिया पे। मैं ये कॉफी स्कल्पटिंग मिक्स जेल यूज करने वाली हूँ, एक थिन लेयर लगाई है मैंने, आप देख ही सकते हो, और इसको 30 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लेना है। अब सेकेंड लेयर लगानी है थोड़ा सा एपिक्स बिल्ड करते हुए एंड 60 सेकेंड के लिए क्योर कर लेना है। अब मैं नॉन डोमिनेंट हैंड से कर रही हूँ यानी कि मैं अपने उल्टे हाथ से कर रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है मुझे। एंड अगर आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में वीडियो चाहिए कि नेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं और जेल ओवरले कैसे करते हैं या जेल पॉलिश कैसे लगाते हैं वो भी घर पे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। You can also use toothpick to clean the cuticles. सारे नेल्स क्योर होने के बाद आप देख ही सकते हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप चाहो तो इसे यहीं पे फाइलिंग एंड बफिंग करने के बाद जेल सीलर लगा के फिनिश कर सकते हो या फिर मेरी तरह कुछ नेल आर्ट कर सकते हो। अब एसीटोन से फिर से क्लीन करना है, उसके बाद फाइलिंग करके रिमूव करना है अनइवन सरफेस। फिर बफ करना है ताकि स्मूथ हो जाए।
चलते हैं हमारे नेल आर्ट की ओर। ग्रेडियंट बना रही हूँ, ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। आप चाहो तो स्पंज का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही इजी सा एक फ्लावर बनाया है जो अगर मैं अपने उल्टे हाथ से कर सकती हूँ तो अपने नॉर्मल हाथ से कर सकते हो और इजीली बन जाएगा, ट्रस्ट में। जब नेल आर्ट कंप्लीट हो जाए तो उसे हम टॉप कोट से सील कर लेंगे। नेल आर्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे क्यूटिकल ऑयल और उसे क्यूटिकल एरिया पर लगाएंगे। नेल्स पे नहीं लगाना है, अदरवाइज वो शाइन को डाउन कर देगा। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी हिंदी में, सो मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। फिनिश्ड रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, सी यू सून, टेक केयर, गुड लक, कीप लर्निंग।